बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे कोरोना वायरस की बात करूंगा। ये ज़रूरी है आप सबके लिए समझना, क्योंकि इसके ऊपर एक मुल्क में मुझे खौफ है कि अफरा तफरी सी फैल रही है। सबसे पहले 15 जनवरी को हमने फैसला किया कि हम कोरोना वायरस के ऊपर एक्शन लेने लगे। क्यों किया? क्योंकि चाइना के अंदर तब कोरोना वायरस फैल चुकी थी और हमने तब फैसला किया कि अगर चाइना में फैल चुकी है, चाइना से लोग आएंगे पाकिस्तान, जो भी वायरस के हम देख रहे थे असरात, तो वो बड़ी, ये वायरस एक ऐसी है, मैं पहले आपको वायरस बता दूं कि है क्या। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज़ से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनमें से 97 में से 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक ज़ुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। सिर्फ इसमें से 4-5% हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन जितनी ज़्यादा ये अब दुनिया में आप देख रहे हैं, चाइना में जितने केसेस हुए अब तक तकरीबन 1,90,000 केसेस हो गए हैं। तो जब इतने ज़्यादा केसेस हों तो इनके 4-5% भी मुल्क में जब आते हैं तो वो जो आपके हस्पताल हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए समझने की बात है कि इसकी, फिर से मैं बता दूं कि इसकी जो ख़तरनाक चीज़ है, तेज़ फैलता है। लेकिन दूसरी तरफ 100 लोगों को कोरोना होता है तो 3% ज़्यादातर कौन लोग हैं जिनको ये, जिनके लिए ख़तरनाक है? वो लोग हैं जो या उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, या उनको कोई बीमारी है, या ख़ास तौर पे अगर चेस्ट इन्फेक्शन या कुछ है तो उनके लिए ख़तरनाक है। तो पहले समझ जाएं कि ये कोरोना है क्या। अब चाइना ने हमारा, जैसे ही हमें पता चला कोरोना का, तो मुसलसल हम चाइना के साथ हमारी बातचीत चलनी शुरू हो गई। उसके बाद कोरोना जो अगली जगह गई वो हमारा दूसरा, हमारा हमसाया ईरान। ईरान में कुंभ में शुरू हुई और हमारे जो ज़ायरीन वहाँ गए हुए थे वो अफेक्ट हुए उससे, और हम मुसलसल ईरान की गवर्नमेंट के साथ इन टच थे। अब मसला ये हुआ कि वो जो ज़ायरीन आ रहे थे वो बलूचिस्तान से, वो एक ऐसा इलाका है, ऐसा वीराना है जिधर उनको वहाँ लॉजिस्टिक्स, उनको वो उस तरह का डॉक्टर्स पहुँचाना, लॉजिस्टिक्स पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो भी देख लें तफ्तान का बॉर्डर वो एक वीराना है। इसलिए मैं आज ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की हुकूमत को दाद देता हूँ और पाकिस्तान फ़ौज को, क्योंकि उन्होंने जितना भी अभी तक किया है ये इन्होंने मिलके बड़े मुश्किल हालात के अंदर पूरी कोशिश की कि जो ज़ायरीन आ रहे थे उनकी, उनको क्वारंटीन भी करें और फिर उनको वहाँ से भी निकालें। और मैं फिर से दाद देता हूँ क्योंकि ये मुझे पता है, मैं मुसलसल ये फॉलो कर रहा था, ये बड़ा मुश्किल काम था। अब आपको ये समझना है कि ये हमारा जो रिस्पॉन्स है, हम जो मुसलसल इसको फॉलो कर रहे थे, क्या हमारा रिस्पॉन्स था, ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि हर किस्म की बातें की जा रही हैं। अब पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है समझना। 15 जनवरी से हमने शुरू किया, एयरपोर्ट्स के ऊपर हमने स्क्रीनिंग शुरू की। अब तक 9,00,000 लोगों को हम स्क्रीन कर चुके हैं एयरपोर्ट पे, और जो पहला पाकिस्तान में केस आया वो 26 फरवरी को आया, और जब वो आया तो उससे हम फिर, हमें थोड़ा, क्योंकि हमें पता था कि जैसे दुनिया में फैलती जा रही है, ये पाकिस्तान में भी ये कहीं ना कहीं ये जितनी तेज़ी से फैलती है तो यहाँ भी फैलेगी। हमने पिछले हफ्ते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई, वो कब बुलाई? जब 20 केस पाकिस्तान में हुए, और जब हमने कमेटी की मीटिंग बुलाई तो हमने दुनिया के रिस्पॉन्स स्टडी किए। दुनिया के क्या रिस्पॉन्स थे?
इटली के अंदर शुरू में उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर एकदम उन्होंने जब वो बढ़ने शुरू हुए इटली को लॉकडाउन कर दिया। बरतानिया में उन्होंने अभी तक बड़ा और तरह ले रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ उनकी अप्रोच है। अमरीका शुरू में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब उन्होंने रिएक्ट करके तो पूरे के पूरे शहर बंद कर दिए हैं। हम जब ये सोच रहे थे कि हमारे जब 20 केसेस हैं तो हम भी शहर बंद करें, ये भी एक सजेशन आई, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं जो अमेरिका के हैं या यूरोप के हैं। हमारे मुल्क में गुरबत है, हमारे तकरीबन 25% लोग तो बिल्कुल शदीद गुरबत में हैं। हम एक बड़े मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं, हमारे जो माशी हालात हैं, जो 2019 से हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल साल था, इसमें बेरोज़गारी है लोगों की, मुश्किल हालात हैं, बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि जिस तरह के हमने जो स्टेबलाइजेशन की, तो हमने तब सोचा कि अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं, तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग, हमारे गरीब लोगों का क्या बनेगा। तो लिहाजा हमें बड़ा सोच समझ के एक्शन लेना था। हमने फैसला ये किया कि हम जिधर भी पब्लिक जमा हो सकती है, क्रिकेट मैच हो गया, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, हमने उन सारों को बंद किया, उनको छुट्टियां दी। और फिर हमने दो काम किए, हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। वो जो कमेटी है उसके दो पहलू हैं, एक तरफ तो वो सारे वज़ीर आला उन सब से इन टच है, और जो NDMA है, NDMA है जो इसका काम ही है कि जब मुल्क के अंदर कोई डिज़ास्टर होता है तो वो NDMA, जलजला हो या फ्लड्स आए तो वो NDMA एक्ट करती है, तो उसी NDMA को हमने एक्टिवेट कर दिया। उस NDMA को हमने पैसे दिए और हमने उनके ये ड्यूटी लगाई कि वो दुनिया से जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं, जिसमें फेस मास्क के पास तो हमारे पास हैं पाकिस्तान में काफ़ी, लेकिन असल में वेंटिलेटर का हमने रियलाइज़ किया कि अगर ये बीमारी फैलती है तो ये जो 4-5% लोगों को शदीद कोरोना का अटैक होगा उनको चाहिए होगा वेंटिलेटर्स सांस लेने के लिए, लिहाजा वो भी हमने ऑर्डर कर दिए और उसके ऊपर भी पूरा हमने NDMA को लगा दिया। साथ साथ उनके साथ एक कोर कमेटी है हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स की, जो इन्फेक्शस डिजीज़ के डॉक्टर्स हैं, ये मुसलसल एडवाइज़ कर रहे हैं उस कमेटी को कि कैसे करना है, ये दुनिया में भी देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिर से मैं बताऊं, मसलन इटली का बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोच है, बरतानिया की बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो हम देख रहे हैं, सब स्टडी कर रहे हैं कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। साथ साथ आज हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी चाइना गए हुए हैं और इंशाल्लाह कल वापस आ जाएंगे, तो इनको हमने ख़ास तौर पर बताया है कि चाइना हेल्प तो हमारी कर ही रहा है, लेकिन उनसे हमने क्या क्या सबक सीख सकते हैं चाइना से कि हम अगर ये फैलती है तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। और आप सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वायरस ने फैलना है, ये अपने जहन में डाल लें, हमने कोशिश पूरी करनी है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और आपने क्या करना है, लेकिन ये जहन में डाल लें कि ये जिस तरह दुनिया में आप देख रहे हैं, हमारे से ज़्यादा बेहतर जिनके पास मेडिकल सिस्टम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके इदारे भी ज़्यादा मजबूत हैं, वहाँ तेज़ी से फैल रही है, तो ये समझ आएँ कि यहाँ भी फैलेगी, लेकिन मैं अब आपको बताऊँगा कि हमने कैसे इसको रोकना कैसे है। इंसान कोशिश कर सकता है, तो हमने क्या क्या वो कदम उठाने हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहली हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई और दूसरी हमारी एक इकोनॉमिक कमेटी है। इकोनॉमिक कमेटी का क्या मकसद है? इकोनॉमिक कमेटी का मकसद ये है कि जो भी अब इसके नुकसान होंगे, मसलन दुनिया के अंदर आपको पता है तेल की कीमतें गिर गई हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री का बुरा हाल हो गया है, एयरलाइंस के अंदर मुश्किलात आ गई हैं, तो पाकिस्तान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमारे एक्सपोर्टर्स,
क्योंकि बड़ी देर के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हुई थी, जो पिछला ये मार्च के महीने में और फरवरी के महीने में सबसे तेज़ी से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त पूरी चल रही है, यानी फुल कैपेसिटी पर चल रही है, उसको रोज़गार लोगों को मिल रहा है। तो जो हमें नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट्स के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, दूसरा बिजनेसेस पे इफ़ेक्ट आएगा, मसलन शादी हॉल बंद हैं वगैरह और भी चीज़ें हैं जिनको इफ़ेक्ट आएगा। लिहाजा इस इकोनॉमिक कमेटी का सिर्फ एक मकसद होगा कि हर रोज़ ये देखेगी कि कौन कौन से एरियाज़ मुतासर हो रहे हैं इसकी वजह से और उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। हमने IMF से भी बात करेंगे क्योंकि वो भी उनकी के कंडीशंस हैं कि हमने रिलीफ देना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री को, अपने एक्सपोर्टर्स को, तो वो भी उसके ऊपर भी हमने पूरी नज़र रखी हुई है। लेकिन जो मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ, ये कमेटी ये देखेगी कि महंगाई ना हो खाने पीने की चीज़ों पर। वो इसलिए कि मुझे खौफ है, मुझे खदशा है कि जिस तरह पहले चीनी के ऊपर और आटे के ऊपर ज़खीरा अंदोज़ी करके महंगाई की गई है, हमें खौफ है कि फिर अभी कोशिश की जाएगी। मैं आज ख़ास तौर पे आप इन सब लोगों को जो ज़खीरा अंदोज़ी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके ख़िलाफ़ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, आपके ऊपर पूरा इसका रियासत का आपके ऊपर पूरी कार्रवाई करके और आपको इसका सज़ा दी जाएगी जिस जिसने भी आवाम की तकलीफ़ों से फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अब मैं क्या चाहता हूँ, आवाम से क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि 5 आपने चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये जो जंग है, ये कोरोना की वायरस की जो जंग लड़ी जा रही है, ये गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती। दुनिया में कोई गवर्नमेंट अकेली नहीं लड़ रही। चाइना अगर उसने कामयाबी हासिल की है तो चाइना की आवाम ने पूरी आवाम और गवर्नमेंट ने मिलके लड़े, यानी ये कौम लड़ती है। तो इसलिए ये कौम बहसियत कौम हमने ये जंग जीतनी है, इसलिए आपने इसमें पूरी तरह ज़िम्मेदारी लेनी है, एहतियात करनी है, ज़िम्मेदारी लेनी है। सबसे पहली चीज़ कि जिधर जिधर भी ज़्यादा बड़े इज्तमा हैं, आपने उन इज्तमाओं को खुद देख के उधर नहीं जाना। 40 से ज़्यादा लोगों के इज्तमाओं के ऊपर अवॉइड करें, ना जाएं। और दूसरी चीज़ कि बंद कमरों के अंदर जिधर ज़्यादा लोग जमा होते हैं वो ज़्यादा वहाँ वायरस फैलने का ख़तरा है, इसलिए उधर भी ना, उसको भी अवॉइड करें। दूसरी चीज़ हाथ मिलाना। अब ये वायरस जो सारी दुनिया में देखा जा रहा है कि सबसे तेज़ी से हाथ मिलाने से फैलती है, क्योंकि हाथ लोग जिन लोगों को वायरस हुई हो उनके मुंह से लगते हैं, उस पर उसके उनके हाथ के ऊपर वायरस आ जाती है। जब वो हाथ मिलाते हैं तो वो ट्रांसमिट होती है, और फिर जो हाथ मिलाता है वायरस किए हुए हाथ से, तो वो जब अपनी आँखों पर, नाक पर और मुँह पर लगाता है तब वायरस फैलती है। इसलिए हाथ नहीं मिलाने, और हाथ को ज़्यादातर धोना है साबुन से अच्छी तरह। वैसे भी हमारा ईमान हमें कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आधा ईमान सफाई है, तो सफाई के ऊपर ज़ोर देना है। तीसरी चीज़ कि बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं, ख़ास तौर पे जब हमारे पाकिस्तानी आते हैं, तो ख़ुद एहतियात करनी है, उन्होंने भी एहतियात करनी है जो बाहर से आए। अपने आप को थोड़ी देर अकेला रखें, क्योंकि जितनी भी वायरस आ रही है बाहर से आ रही है। और दूसरी चीज़, जो जिधर वो जाते भी हैं तो उनको थोड़ी देर देखें कि क्या उनको वायरस है या नहीं है। 2 हफ्ते में वाजे हो जाएगा कि उनको वायरस है या नहीं, तो उन्होंने बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं उधर एहतियात करनी है। चौथी चीज़, अगर आपको ज़ुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, इसका ये नहीं मतलब कि आपको कोरोना हो गई है, और ख़ुदा के वास्ते सारे थोड़ी सी चीज़ के ऊपर टेस्ट कराने ना चले जाएँ, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क में भी उनके पास इतने वसाइल, सबसे दुनिया का अमीर मुल्क है, उसके बावजूद उनके पास वसाइल नहीं है कि जो आए उसके टेस्ट कर लें कोरोना के। इसलिए सिर्फ इसका होगा ये, अगर सारे जब भी खांसी हो, ज़ुकाम हो, सारे भागे जाएं हॉस्पिटल टेस्ट करवाने के लिए, हॉस्पिटल्स के पास कहीं भी दुनिया में इतनी इक्विपमेंट है ही नहीं कि आपके टेस्ट कर सकें। तो जिस तरह मैंने कहा कि 90% जिन लोगों को कोरोना होता है वो तो थोड़ी सिम्टम्स के बाद ठीक हो जाते हैं, तो
तो ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद घर में रहें और देखें और अपने आप को फॉलो करें और थोड़ा सा रेस्ट करें, और ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। सिर्फ जिन लोगों को शिद्दत इख्तियार कर जाए, और वो फिर से मैं कहता हूँ या वो लोग बीमार होते हैं या वो उनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको सिर्फ हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये जो आखिर में ये जो जिधर आज आप हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पे कहते हैं कि एहतियात करो, कि अगर आपने देख आपका ऊँट अगर आपको डरा के भाग ना जाए तो अल्लाह से दुआ करने से पहले उसको बांधो, एहतियात करो। सब के लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए एहतियात करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। मैं आज अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मैं ख़ास तौर पे आज आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने एक जहाद लड़नी है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जिस तरह की आपको फैसिलिटीज़ चाहिए और जो हम कर सकते हैं, जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए हो, वो हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको ये पूरी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको एहसास है जिन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपनी एम्बसीज को हर जगह कहा कि अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पूरी तरह मदद की जाए। मुझे ख़ास तौर पे ये भी एहसास है कि जो हमारे स्टूडेंट्स वुहान सिटी के अंदर चाइना में फंसे हुए हैं, मुझे पता है कि किस तरह की मुश्किलात का आपको भी सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पे जो आपके वालदैन हैं, जो जिस तरह उनको एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा। लेकिन खुशखबरी ये है कि चाइना ने अब मुकम्मल तौर पे तकरीबन काबू पा चुके हैं, वहाँ नीचे जा रही हैं, बल्कि दुनिया में ऊपर जा रही हैं कोरोना के केसेस, चाइना में अब नीचे आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं आपको सब्र करना पड़ेगा। मैं ख़ास तौर पे आज अपने उलमा से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी भी बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपको भी ये मुसलसल आगाह करना पड़ेगा लोगों को कि इस मुश्किल वक्त में किस तरह उन्होंने एहतियात करनी है और इस मुश्किल वक्त से कैसे गुजरना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।